यदि आपका बच्चा आपकी जानकारी के बिना दूसरों के घरों में खुद जा रहा है या फिर कोई ले जा रहा है तो यकीन मानिए ये उसकी पर्याप्त देखभाल नहीं है। क्या आपको अब भी ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? खैर, फिर आपको इस भयानक घटना की जांच करने की जरूरत है जो आपकी सांसों को रोक देगी और रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों से भरे इस जमी हिला देने वाले मामले पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई गोरेगांव का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी के जो दादी जी थे ना वो भी इनके साथ रहते थे। ये लोग एक फ्लैट में रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। इनकी बिल्डिंग के नीचे ही ना बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है जिसपे बहुत सारे झूले हैं और वॉक करने के लिए मस्त स्पेस है। अब एक बार ना शाम का वक्त होता है तो मुन्नी के जो दादी जी होते हैं ना वो वॉक करने के लिए नीचे जा ही रहे होते हैं, तो मुन्नी अपनी दादी जी को बोलती है कि मैं भी आपके साथ नीचे खेलने के लिए जाऊंगी। तो उसके दादी जी बोलते हैं ठीक है चल बेटा। अब ये लोग ना नीचे जाते हैं, गार्डन में ना ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो मुन्नी ना उन बच्चों के साथ जाती है और खेलना स्टार्ट कर देती है। मुन्नी के जो दादी जी होते हैं वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। वॉक करते करते ना वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन जो मुन्नी है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो फटाफट बच्चों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा मुन्नी कहाँ गई है। तो बच्चे बताते हैं कि वो तो मीना आंटी के साथ खेल रही थी। तो आंटी पूछते हैं, मतलब मुन्नी के जो दादी जी होते हैं वो पूछते हैं कि कौन सी मीना आंटी। तो वो बोलते हैं वो जो 5th फ्लोर पर रहते हैं ना उनके साथ मुन्नी खेल रही थी और उन्हीं के साथ चली गई है। अब दादी जी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे बच्चा किसी के घर पर जा सकता है, जहाँ वो कहाँ पर लेकर गई है मेरी बेटी को। फटाफट ना जो दादी जी होते हैं वो अपना घर पर जाते हैं और अपनी बहू को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मीना के घर पर अपना मुन्नी गई हुई है। ये लोग फटाफट क्या करते हैं 5th फ्लोर पर जाते हैं और मीना के दरवाजे की बेल बजाते हैं। ये लोग देखते कि जो मुन्नी की चप्पल है ना वो भी बाहर नहीं होती है। थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि मीना अपना मुन्नी को लेकर कहाँ चली गई है। अब ना जैसे ही मीना दरवाजा खोलती है ना तो देखते हैं कि जो मुन्नी है ना सोफे पर बैठी हुई है, उसके कपड़े भी चेंज है और उसके हाथ में ना एक बड़ा सा चॉकलेट है, उस चॉकलेट को मुन्नी खा रही है। और भागते हुए ना अपनी मम्मी के पास वो आती है और बोलती है देखो आंटी ने मुझे चॉकलेट दिया। अब ना जो मुन्नी की मम्मी होती है ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि ये लोग मेरी बेटी को बिना मेरी परमिशन के कैसे ऊपर लेकर आए हैं और बच्ची के कपड़े क्यों चेंज कर दिए गए हैं। ये बात सोच के ना उसका दिमाग अभी जो है ना एकदम गुस्से में आ जाता है। वो ना मीना से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। मुन्नी की मम्मी गुस्से में बोलती है कि आप मेरी परमिशन के बिना मेरी बेटी को ऊपर कैसे लेकर आए और ये लड़की है आपने इसके कपड़े चेंज कैसे किए, आपकी हिम्मत कैसे बनी मेरी बेटी के कपड़े चेंज करने की, ऐसा क्यों आपने किया है। तो जो मीना होती है ना वो उल्टा मुन्नी की मम्मी पे चढ़ जाती है। वो बोलती है लो इसमें क्या हो गया, हमने आपकी बेटी को कोई बुरा कपड़ा तो नहीं पहना है ना, अच्छा ही कपड़ा दिया है ना पहनने के लिए और चॉकलेट दिया है खाने के लिए, इसमें क्या हुआ। बच्ची के ऊपर प्यार आया तो हम लोग बच्ची को अपने घर ले आए, मेरी बेटी की फ्रॉक पड़ी थी मैंने इसको पहना दी, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है, बच्चा समझ के हमने इसको कपड़ा पहना दिया, चॉकलेट खिला दिया, तो इसमें गलती क्या होगी। आप तो हमारे ऊपर ही चढ़ गए हैं, बच्चों के साथ कोई भी प्यार कर सकता है, कोई भी खेल सकता है। तो जो मुन्नी की मम्मी होती है ना वो बोलती है खेलने के लिए मना नहीं किया है, आप मेरी बेटी को बिना मेरी परमिशन के घर कैसे लेकर आ गए हो। तो मीना बोलती है अरे बाप रे आपकी सोच कितनी गंदी है, कितने बुरे ख्याल हैं आपके, छी आप लोग ऐसे लोग हो, मेरे को तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपकी बेटी को कभी घर पर नहीं लेकर आती, बाबा माफ करो, ऐसे हाथ जोड़ती है मीना और बोलती है यहां से जाओ। अब ना ऐसा बोलती है तो ये लोग क्या करते हैं फटाफट अपना मुन्नी को घर पर लेकर आते हैं। मुन्नी की जो दादी होती है मुन्नी की मम्मी ना इसको समझाती है बेटा ऐसा किसी के साथ किसी के घर पर नहीं जाते, आपको कितने बार बोला है कि कोई भी कुछ खाने को दे तो कभी नहीं लेने का। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको जितना भी समझाया जाएगा आखिर बच्चे हैं। मुन्नी ने भी सेम वैसा ही किया, वो अपनी मम्मी को बोलती सॉरी मम्मी गलती होगी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी, तो अब उसकी जो मम्मी होती है इस बात को लेट गो करती है। रात का वक्त होता है ना तो उसकी मम्मी की अचानक से आँख खुलती है और वो देखती है कि जो मुन्नी है ना इसको हिचकियाँ बहुत आ रही है, वो हिचकियाँ ले रही है जो
उसकी हिचकी है ना, लेकिन नॉर्मल हिचकी नहीं है, अजीब सी हिचकी है। फटाफट वो हिचकियों पे हिचकी लेते जा रही है, ब्रेक ले ही नहीं रही है। तो उसकी मम्मी ना इसको पानी देती है, ले बेटा पानी पी ले, तेरी हिचकी बंद हो जाएगी। अब जैसे मुन्नी का हाथ पकड़ा ना उसकी मम्मी ने पानी देने के लिए, तो उसकी मम्मी देखती है कि मेरी बेटी का तो हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है, ये तो तप रही है बाबा बुखार में। फटाफट इसकी मम्मी जो होती है ना इसको बुखार की गोली देती है। बुखार की गोली देने के बाद लेकिन जो मुन्नी की हिचकियाँ हैं ना वो बंद नहीं हो रही हैं, बुखार भी कंटिन्यू है और उसको हिचकियाँ भी कंटिन्यू आ रही हैं, पानी भी पिलाया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुन्नी की अचानक तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई। सुबह होती है, फटाफट उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जो होता है इसको बाहर से कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के देता है, इंजेक्शन भी लगाता है और बोलता है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो, इसको घर पर लेके जाओ। मुन्नी की जो मम्मी होती है ना पूरा दिन उसके ऊपर ठंडे पानी की सर्फ के ऊपर पट्टियाँ करती है, उसका जो बुखार है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा घबराई होती है, टेंशन में होती है। मुन्नी की मम्मी ना भी बोलती है इसकी दादी जी को कि आप इसके पास ध्यान दो, मैं ना ऊपर जाके रहती हूँ, मुझे लगता है उन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है हमारी बेटी के साथ। अब मुन्नी की मम्मी को इतना गुस्सा आता है ना, फिर से वो झगड़ा करने के लिए जाती है कि आपने मेरी बेटी को क्या कर दिया है, साफ साफ बताओ, सच सच बताओ, उसके साथ ऐसा क्या किया है, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसकी हिचकियाँ बंद नहीं हो रही हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना उल्टा फिर से इन्हीं के ऊपर चढ़ जाते हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया आपकी बेटी को, चॉकलेट ही तो खिलाया है, कोई भी खिला सकता है, चॉकलेट भी बाहर से लेके दिया है, बाबा खामखा आप तो हमारे सर पर चढ़ रहे हो, हमारे से झगड़ा कर रहे हो, आपको तो कोई काम धंधा नहीं है, कितनी गंदी सोच वाले लोग हो आप, हमने अपना आपकी बेटी को अपनी बेटी समझ के चॉकलेट क्या खिला दिया, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो। अब ना जो मुन्नी की दादी थी वो कब से देख रही होती है कि मेरी जो बहू है झगड़ा ही कर रही है, ये इसको नीचे लेकर आती है, बोलती है बेटा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, अपना बच्ची के ऊपर ध्यान दो। रात का समय होता है तो अचानक से ना अब मुन्नी की मम्मी की आँख खुलती है, वो देखती है कि शावर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे मुन्नी बाथरूम में रो रही है। फटाफट ना अभी इसकी मम्मी जो होती है बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है मुन्नी जो है ना शावर के नीचे खड़ी है, उसके पूरे बाल खुले हैं, वो कपड़ों के समेत ना कपड़े पहने हुए हैं और शावर के नीचे खड़ी हुई है और अपने बालों को ऐसे जोर जोर से भी नोच रही है, कंटिन्यू बालों को नोच रही है, रो रही है, ऐसे 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 आवाज़ें भी निकाल रही है कि जैसे उसको पानी के नीचे सांस नहीं मिल रही है, फिर भी वो पानी के नीचे खड़ी है। मुन्नी की मम्मी ना फटाफट शावर को बंद करती है और बोलती है बेटा ये क्या कर रही है तू, ऐसा क्यों कर रही है, हाँ चल 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 चल, तेरे को बुखार है, तू पानी के नीचे क्यों खड़ी थी। जो मुन्नी है ना वो नहीं हिलती, ऐसा सिर्फ मुंडी हिलाती है। वो बोलती है उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, अभी इतने में ना इसके डैडी भी पीछे से आ जाते हैं। तो मुन्नी बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप शावर ऑन करो। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा आपको बुखार है, आप ये क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इतनी रात को ठंडी के वक्त आप शावर के नीचे खड़े हो। तो मुन्नी बोलती है आंटी ने मुझे बोला है अगर मैं शावर के नीचे नहीं खड़ी रही ना तो आंटी मेरे को बहुत मारेगी। तो मुन्नी की मम्मी बोलती है कौन सी आंटी, कहाँ है आंटी, कौन सी आंटी ने आपको बोल दिया है। तो मुन्नी ना बाथरूम के एक कोने पर इशारा करती है और बोलती है आंटी वहाँ पर खड़ी है, आंटी की जो आँखें हैं ना मेरे को गुस्से में देख रही है, आंटी मेरे को बहुत बुरे से घूर रही है, आंटी मुझे मारेगी, आप शावर ऑन करो मम्मा, प्लीज़ शावर ऑन करो। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा कोई आंटी नहीं है, जैसे ये बोला ना कि कोई आंटी नहीं है तो बाथरूम की जो साबुन थी ना धार देने खुद से ही गिरती है, शैम्पू भी धार देने गिरता है, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इन लोगों को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, किसी की प्रेजेंस वहाँ पर है और वो चीज़ें गिरा के बता रहा है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इतने में ये सब कुछ देख ही रहे थे तो शावर अपने आप ऑन हो गया। इसके डैडी ने ना फटाफट शावर को बंद किया और मुन्नी को बोला चल बेटा फटाफट मेरे पास आ, हम लोग यहाँ से बाथरूम से निकलते हैं। अब वो बाथरूम से लेकर जा ही रहे थे तो मुन्नी ना जोर से अपने डैडी को काटना स्टार्ट कर देती है, वो अपने डैडी के हाथ पर धनाधन काटना स्टार्ट कर देती है, काट रही है और गुस्से में बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे शावर के नीचे ही खड़े रहना है, आंटी ने बोला है। उसके डैडी उसको जबरदस्ती गोद में उठा रहे हैं, वो अपना गोद से छूटने की कोशिश कर रही है, डैडी को मुक्के मार रही है, डैडी के बाल खींच
रही है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे शावर के नीचे खड़े रहना है। उसके मम्मी डैडी इसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं, उसकी मम्मी भी कंटिन्यू इसको गले लगी हुई है और बोलती है बेटा कोई आंटी नहीं है, टेंशन मत ले, हम तेरे मम्मी डैडी है, कोई आंटी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, हम आपके साथ हैं, आप डरो मत, किसी से मत डरो। जो मुन्नी है अपने मम्मी डैडी को मार रही है, मुक्के मार रही है, काट रही है, फिर भी माँ बाप अपनी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, वो उसको बाथरूम में जाने ही नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू अपनी बेटी को गले लगे हुए हैं। अब जैसे सुबह होती है ना, मुन्नी की मम्मी फिर से उनके घर पर जाती है और बोलती है कि सच्ची सच्ची बताओ मेरी बेटी के साथ आपने क्या किया है, उसकी जान पर बनाई है, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। तो ये लोग जो होते हैं ना, मीना और उसका पति होता है, बोलते हैं हम लोगों ने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, अपनी गंदी सोच अपने पास रखो, बार बार हमारे दरवाजे पे आकर झगड़ा मत करो, हमको माफ करो, हमारा दरवाजा खटखटाओ मत, बंद करो ये सब। ये बोलकर ना वो लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब मुन्नी की मम्मी क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, वो ना बहुत निराश होकर घर के अंदर आती है। तो इसके दादी जी बोलते हैं मुन्नी के कि बेटा टेंशन मत ले, हम लोग ना पादरी साहब के पास जाते हैं। तो इसकी मम्मी बोलती है ऐसा करते हैं हम लोग पादरी साहब को घर पर ही बुलाते हैं। ये लोग पादरी साहब को घर पर बुलाते हैं। पादरी साहब ना जब मुन्नी के ऊपर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मुन्नी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। उसकी मम्मी की गोद में मुन्नी बैठी हुई होती है ना, पादरी साहब प्रार्थना कर रहे थे तो अपनी मम्मी का हाथ काटना स्टार्ट कर देती है, अपनी मम्मी के ऊपर मुक्के मारती है और पादरी साहब के ऊपर भी वो अटैक करने की कोशिश करती है, पादरी साहब का भी हाथ पकड़ लेती है, उनको भी काटती है और गुस्से में बोलती है चले जाओ चले जाओ चले जाओ। पादरी साहब जो होते हैं ना कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं, मुन्नी की मम्मी मुन्नी को छोड़ ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा वो काफ़ी टाइम प्रार्थना करते रहे मुन्नी के ऊपर। जो मुन्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी ना, अब उसका जो गुस्सा था एकदम शांत हो गया और मुन्नी ने काटना बंद कर दिया। तो पादरी साहब बोलते हैं अब ये ठीक है, एकदम सुरक्षित है, बुरी आत्मा का जो भी इसके ऊपर साया था ना वो निकल गया है, अब आपकी बेटी सही सलामत है। तो अब ना इस किस्से को हुए 3 महीने हो जाते हैं। एक बार पता चला इन लोगों को कि जो मीना आंटी थी और उसका जो पति था ना, वो लोग अपना एक जंगल में ना, एक इनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, 3-4 बिल्डिंग छोड़कर ही एक लड़की रहती थी, उसकी बलि दे रहे थे। पुलिस ने ना इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था उसकी बलि देते हुए। शुक्र है कि बच्ची की जान बच गई और इन लोगों को इन पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया था। लोगों का कहना था कि इनकी ना एक 10 साल की बेटी थी जिसकी बीमारी की वजह से ना डेथ हो गई थी, उसके बाद इन लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ। तो ये लोग जो बच्चा पाने के लिए ना सब जादू टूने का सहारा ले रहे थे कि इनको फिर से बच्चा हो जाए, इसीलिए ये लोग बच्चों की बलियां दे रहे थे एक तांत्रिक के कहने पर, लोगों का ये मानना था। दोस्तों मैंने ना एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक लेडी थी, उसका एक बेटा था और 3 बेटियां थी। उसका जो बेटा था ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, तो एक बार ना एक तांत्रिक ने उसको ऐसा बोला कि ऐसा कर तू अपनी 3 बेटियों की बलि दे दे, फिर तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी 3 बेटियों की बलि दे दी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये दुनिया ना बहुत ही भयानक लोगों से भरी हुई है, कुछ ही लोग अच्छे हैं जिनके कारण ये दुनिया रहने के लायक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।